Assalamualaikum dear viewers and listener, how are you today? Walaikum salam, fine thanks, and you sir? Pretty good. Today we are going to begin presentation 11, and the title of the presentation is asking for and giving information about where things are made. ये पूछना कि मुख्तलिफ चीज़ें कहाँ के कहाँ बने हुए थे, तो यह ग्लोरिया एक रोल प्ले करती हैं. वॉज द ब्रेसलेट मेड इन मैक्सिको, तो क्रिस्टीना जवाब देती है नो इट वॉज़न्ट, इट वॉज़ मेड इन कोलम्बिया. नहीं, ये मैक्सिको का नहीं बना हुआ था, कोलम्बिया का बना हुआ था. तो यही हम डिस्कस कर लेंगे डियर व्यूअर्स एंड लिसनर. दैट ये दो अल्फाज हैं, एक मेड ऑफ और मेड इन. हमें इसमें पहले परख करनी चाहिए, मेड ऑफ का माना क्या है, किस चीज़ का बना हुआ है. फॉर एग्जांपल, दिस मार्कर इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, दिस वाइट बोर्ड इज़ मेड ऑफ पोमिका, दिस वॉल इज मेड ऑफ सीमेंट, राइट. सो वी कैन टॉक अबाउट मेड अप किस चीज़ का बना हुआ है. और द सेकंड वन इज़ मेड इन कहाँ का बना हुआ है. फॉर एग्जांपल, दिस मार्कर इज़ मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान, राइट. दिस मोबाइल फोन इज मेड इन ताइवान, ताइवान का बना हुआ है. मेड इन जर्मनी, राइट, जर्मनी का बना हुआ है. कहाँ का बना हुआ है, सो मेड इन, मुल्क का नाम बताएंगे ज़्यादातर. तो अगर हम यही पूछ लेंगे, लेकिन जब हम मेड इन के बारे में बात करते हैं, तो जिस भी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो तो पहले ही बना हुआ है. अब हमारे हालत में हमारे पास तो मौजूद है, बना तो माजी में है. तो जब हम माजी की बात करते हैं तो एज आर एम न यूज़ करेंगे, हम वज़ वर यूज़ कर लेंगे, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहो कि ये मोबाइल फ़ोन है और ये सपोज़ टर्की का बना हुआ है. मोबाइल फ़ोन कहाँ का बना हुआ है, तुर्की का बना हुआ है. मैं आपसे पूछ लो, वाज दिस मोबाइल फ़ोन मेड इन इंडिया, इंडिया का बना हुआ था? नो इट वाजंट. गुड, नो इट वाजंट, इट वाज मेड इन टर्की. नहीं, ये इंडिया का नहीं, टर्की का बना हुआ था, राइट. अगर मैं आपसे ये स्वेटर परस कर ले, चाइना का बना हुआ है स्वेटर. तो अगर मैं आपसे पूछ लो, वाज दिस स्वेटर मेड इन यूएसए? नो इट वाजंट, इट्स मेड इन चाइना. गॉड, नो इट वाजंट, इट वाज मेड इन चाइना. इट्स मेड इन ना कहो, इट वाज, इट्स ये बन न कहना चाहिए, बिकॉज ये माजी में बना हुआ था. सो नो इट वाजंट, इट वाज मेड इन चाइना. इसी तरह अगर एक से ज़्यादा अल्फाज हो, एक से ज़्यादा चीज़ें हो, शूज़ है, कम से कम दो होते हैं, बूट्स है या सॉक्स है या मार्कर्स है, या मतलब जब हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछते हैं, तो फिर वर्स की जगह क्या लगाएंगे, वर, वर, और इसकी तलफ़ुज़ वर कहेंगे. बाद अवकात हम इसकी तलफ़ुज़ वियर करते हैं, तो वियर तो वही होता है जब डब्ल्यू एच ई आर ई एच जब हो तो वियर. कहाँ, लेवल वन में हमने ये तफसील से डिस्कस किया है, ये वियर की तलफ़ुज है, प्रोनंसिएशन है, और ये वर है, वर. सो अगर हम ये शूज़ सपोज़ इजिप्ट के बने हुए हैं, मिसर, इजिप्ट मीन मिसर के बने हुए हैं ये शूज़, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लो, वर दीज शूज़ मेड इन पर्शिया? नो दे वरंट, इजिप्ट, नो दे वरंट, दे वर मेड इन इजिप्ट. नहीं, ये पर्शिया ईरान के नहीं बने हुए थे, पर्शिया मीन ईरान, दे वर मेड इन इजिप्ट, ये तो मिसर के बने हुए थे. तो जब प्लूरल हो तो वर कहेंगे. अभी हम एक गेम कर लेंगे ताकि वाज या वर की मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए. परस कर ले कि मैंने ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदा इन्हीं मुमालिक में, इंडिया, टर्की, यूएसए, चाइना, सऊदी अरबिया, पर्शिया, इजिप्ट, इंग्लैंड, पाकिस्तान. इसमें ये एक ही जगह के बने हुए हैं, लेकिन आपने ये मालूम करना है कि ये कहाँ का बना हुआ है. तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लेंगे और मैं जवाब दूंगा. और मेरा सवाल ये है कि गेस मीन आप कयास कर लो, वेयर वाज द मोबाइल फोन मेड इन, राइट, वेयर वाज द मोबाइल फोन मेड इन. सो यू शुड गेस. सो आप मुझसे पूछ लें, नो इट वाजंट, टर्की, नो इट वाजंट, नो इट वाजंट,
No, it wasn't. Was it made in Slovenia? No, it wasn't. Was it made in Russia? No, it wasn't. Was it made in Egypt? Yes, it was. It was made in Egypt. तो इसी तरह वस कहेंगे. और अगर अभी हमने इन में से ये सॉक्स जो है, मैंने सॉक्स ख़रीदे, ये कहाँ के बने हुए हैं, तो आपने मालूम करना है कि गेस वेयर द सॉक्स वर मेड इन. तो आप मुझसे कैसे क्वेश्चन कर लेंगे, ये सॉक्स है, परस करें ये ठोस हालत में हमारे सामने मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे, वर दी सॉक्स. नो दे वॉन्ट, फिर हम दे कहेंगे क्योंकि सॉक्स तो एक से ज़्यादा है. नो दे वॉन्ट. 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 Yes, they were. These socks were made in Pakistan. So, इसी तरीके से हम was और were की प्रैक्टिस कर लेंगे. परस कर अबे अगर मैं आपसे पूछ लो कोट के बारे में, was this coat made in India? No, they weren't. No, it wasn't. Coat तो सिंगुलर है, तो it कहेंगे. Was it made in China? No, it wasn't. Was it made in Egypt? No, was it made in Pakistan? Yes. Yes, it was. हाँ, पर ये पाकिस्तान का बना हुआ था ये कोट, राइट. और अगर मैं आपसे अभी बूट्स के बारे में पूछ लो, वर दीज बूट्स मेड इन इंडिया? No, they weren't. Good. वर दे मेड इन पर्शिया? No, they weren't. वर दे मेड इन इजिप्ट? No, they weren't. Good. वर दे मेड इन USA? Yes, they were. दीज बूट्स वर मेड इन USA. United States of America. So in this way, dear viewers and listener, try to practice about the was and were in detail, and try to help each other, try to watch the videos again and again, and also share the videos with your near and dear one, so that other people can also get benefits from the video. Thank you so much. Khuda Hafiz.